हम बिल्कुल भी ना बोले। कमीशन आएगा यहाँ पे हाँ। आपका जब जब आपको तसल्ली हो जाए ना हाँ। तब हमें बता दीजिए। आ जाओ सर इधर आ जाओ। पति ने गोलियां मार के किया पत्नी का कत्ल, गुस्से च आके कीती वारदात, कत्ल तो बाद पति होया फरार। दस दिए कि एक पति ने गुस्से दे विच आके अपनी पत्नी दा गोलियां मार के कत्ल कर दिता, जिस तो बाद ए फरार हो जांदा है। ता मौके ते कुड़ी दा परिवार पहुंचदा है, उन्हां दा रो रो के बुरा हाल हो जांदा है। ता जिवें ही पुलिस इस घर दे विच पहुंचदी है ता कुड़ी दे परिवार दी पुलिस दे नाल बहस भी हो जांदी है। ता ए मौके दियां तस्वीरां सामने आईयां ने जिथे महिला दा परिवार हुण इंसाफ दी गुहार लगा रहा है कि उसदे धी दे कातल नूं सख्त तो सख्त सजा दित्ती जावे। ता पुलिस दे वल्लों हुण इस शख्स दी भाल शुरू कर दित्ती गई है। दस दिए कि मामला नोएडा तो सामने आया, जिथे पति वल्लों अपनी पत्नी दा बेरहमी दे नाल गोलियां मार के कतल किया गया। ता इस दे वल्लों गुस्से दे विच सारी वारदात नूं अंजाम दित्ता गया, जिस दे विच इसकी पत्नी की मौत हो गई। तो यह मौके तो फरार हो जाता है। तो पुलिस के वालों हूँ इस लभन के लिए कोशिशां कीतियां जा रही ने। अवगत कराना है कि चौधरी हरवीर सिंह निवासी सराय काले खां द्वारा थाना धनकौर पर सूचना दी थी कि प्रातःकाल किसी समय इनके दामाद दीपक घुराना द्वारा अपनी पत्नी निधि की गोली मार करके हत्या कर दी है। ये भी बताया कि पति पत्नी में दहेज की मांग के लिए काफ़ी विवाद पूर्व से चल रहा था, उसमें पूर्व ही पत्नी अपने ससुराल आई थी। वादी की तहरीरी सूचना के आधार पर उसने रंगत धाराओं में भी पंजीकृत करके सबको पंचायतनामा दर्शे पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगी है, शीघ्र ही इसमें गिरफ्तारी करके घटना का सफल अनावरण करते हुए योजना का सही ढंग से संपादन कराया जाएगा। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है।